बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, माननीय काशीराम साहब अमर रहे, माननीय काशीराम साहब अमर रहे। अजय जी चालू है और हम सब चाहते हैं कि उनकी लंबी उम्र हो। सब लोगों ने प्रे करी थी, सुबह नहीं की थी, करी थी सबने घर में, उनकी लंबी उम्र होनी चाहिए। तो सब लोग एक सुर में बोलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। और चंद्रशेखर भाई की उम्र हजारों साल हो, बेटा सामने से हट जा। तुम लोग आ रही बाइक को हो जा। चलो भाई साथियों, आज 3 दिसंबर है, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, आज उनका रिजल्ट भी आना है। मैं पहुंचा हूं गाजियाबाद के विजयनगर में, जहां पर आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक भाई चंद्रशेखर आज़ाद के जन्मदिवस को मनाने के लिए एएसपी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं। बड़ा उत्साह है लोगों में। आइए एडवोकेट संजीव कुमार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे क्या उनका आज के इस दिन पर वक्तव्य है। चंद्रशेखर आज़ाद कोई नाम नहीं, एक आंदोलन है। आज गाजियाबाद के विजयनगर पहुंचा हूं और आज का दिन बड़ा विशेष है, खासकर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। आज चंद्रशेखर आज़ाद रावण का जन्मदिवस है और पूरे देश के अंदर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वो सदस्यता अभियान चलाएं। मेरे साथ संजीव भाई हैं, गाजियाबाद से जुड़ेंगे और जानेंगे कितने कार्यकर्ताओं को जोड़ने में सफल हो पा रहे हैं और आज के दिन कार्यकर्ता सदस्यता अभियान क्यों चलाया गया। संजीव भाई स्वागत है आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये सदस्यता अभियान हमने जो चलाया है, इसलिए चलाया है कि जो हमारी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी है कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज के लोग व दूसरे समाज के लोग जुड़ें और आज़ाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का
काम करें। हमारा यही मिशन है कि 2024 में जो चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में हमारी पार्टी पूरे जोर शोर के साथ चुनाव लड़ेगी, चुनावी मैदान में उतरेगी और हम कोशिश ये करेंगे कि हमारी सरकार अधिक से अधिक सीटें लाएं और सरकार बनाने की पूरी पुरजोर कोशिश रहेगी। इसीलिए हमने ये सदस्यता अभियान लगाया हुआ है, चलाया हुआ है कि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ें। किन मुद्दों को लेकर जमीन पर उतरेंगे? हमारे मुद्दे यही हैं कि बहुजन समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो बहुजन समाज की सुनवाई नहीं होती, आज थाने में चले जाएं या किसी भी कहीं भी जगह पर हम चले जाएं, बहुजन समाज जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा है। थानों में हमारी सुनवाई नहीं होती, उच्च अधिकारी हमारी सुनते नहीं है, हमें लताड़ दिया जाता है, हमारे साथ मार पिटाई की जाती है, हम लोगों को खदेड़ दिया जाता है। तो भीम आर्मी और चंद्रशेखर भाई आज़ाद समाज पार्टी का यही उद्देश्य है कि बहुजन समाज के साथ जो ये प्रताड़ना की जा रही है, इस सब के लिए हमारी पार्टी हमेशा खड़ी हुई है और बहुजन समाज को न्याय दिलाने का काम चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं। आज जन्मदिवस भी है एडवोकेट साहब का? हाँ, आज 3 दिसंबर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्मदिन है, तो इसी उपलक्ष्य में हमने ये आज यहाँ प्रोग्राम रखा हुआ है मातालोनी वार्ड नंबर 4 के अम्बेडकर पार्क में, और भाई का जन्मदिन आज हम बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। यहाँ पे आज हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी आ रहे हैं, मंडल महासचिव जी आ रहे हैं, मैं विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर हूँ, सब लोग यहाँ आकर के भाई का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से हम यहाँ आज मनाने जा रहे हैं भाई का। क्या लगता है भीम आर्मी से पहले भी बहुत सारे राजनीतिक दल थे, सामाजिक दल थे समाज के अंदर, लेकिन जब से भीम आर्मी बनी है हम देखते हैं कि युवाओं में खासा उत्साह है, नीला गमछा पहनते हैं तो किसी भी SHO के कमरे में, किसी भी DM के कमरे में प्रशासन से सीधा आंखों से आंखें मिला के बात करते हैं। ये जो नीला गमछा है, इसको हम गमछा नहीं कहेंगे, ये बहुजन समाज की शान आन बान है, ये गमछा नहीं है, ये बहुजन समाज की शान बान आन है। इस गमछे को पहन करके हम कहीं भी थाने में अगर चले जाते हैं तो उच्च अधिकारी से हमारी हिम्मत होती है इस गमछे की वजह से, हमारी शान की वजह से, कि हम उस अधिकारी से आँख मिला के बात कर सकते हैं। और ये जो हमारी पहचान है आज़ाद समाज पार्टी का, जो ये चिन्ह है हमारा गमछा नीला, इसे देखकर ही प्रशासन समझ जाता है कि ये भीम आर्मी के लोग हैं और ये हमारे सामने झुकेंगे नहीं, इनकी बातों को मानना पड़ेगा, इनके साथ हमें समझौता करना पड़ेगा, जिस लिए भी यहाँ पर आए हैं, जिस समस्या को लेकर के आए हैं उस समस्या को हमें सुनना पड़ेगा। तो ये गमछा हमारा, हमारी पहचान है, नीला गमछा हमारी शान है, इसलिए हम इसको हमेशा धारण करके रखते हैं। क्या युवाओं को, क्या आज के इस ऐतिहासिक दिन पर भाई चंद्रशेखर रावण का जन्मदिन भी है, सदस्यता अभियान भी चलाना है, युवाओं से क्या अपील करेंगे? युवा से हमारी यही अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से युवा जुड़ें और चंद्रशेखर भाई के कंधों को मजबूत करें, हमारी पार्टी को आगे ले आने का पूरा प्रयास करें, भाई को आगे ले आने का प्रयास करें और बहुजनों की सरकार को लाने का पूरा सहयोग करें। आज उनका रिजल्ट भी आना है, मैं पहुँचा हूँ गाजियाबाद के विजयनगर में, जहाँ पर आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक भाई चंद्रशेखर आज़ाद के जन्मदिवस को मनाने के लिए ASP और भीम आर्मी के कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं, बड़ा उत्साह है लोगों में। आइए एडवोकेट संजीव कुमार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे क्या उनका आज के इस दिन पर वक्तव्य है।